और एक मुक्तक आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। हसरते अपनी संभाल लेना, हसरते अपनी संभाल लेना, दिल का रिश्ता भी जान लेना। हसरते अपनी संभाल लेना, दिल का रिश्ता भी जान लेना। उड़ते परिंदे हसीन लगते हैं, बात सच्ची लगे तो मान लेना। आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलती रहे तो अच्छा लगेगा। अभी मुझे दिख ही नहीं रहा इस पे, मेरी आवाज़ वगैरह आ रही है सही तरीके से, थोड़ा सा अवगत करा दीजिए। बाकी तो पढ़ रही हूँ, सभी को पुनः नमन करती हूँ। अभी कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे इसमें। चलिए एक और मुक्तक। भाव मन के कह रहे प्रात की विभोर से, प्रात की विभोर से। भाव मन के कह रहे प्रात की विभोर से, चल पड़ी रवि किरण रथ लिए चकोर से। भाव मन के कह रहे, भाव मन के कह रहे प्रात की विभोर से, चल पड़ी रवि किरण रथ लिए चकोर से। रूप सी है चांदनी, रूप सी है चांदनी, मंद मंद राग है। रूप सी है चांदनी, मंद मंद राग है। छू रही चरण निशा वादियों की ओर से, छू रही चरण निशा वादियों की ओर से। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे दिख नहीं रही हैं। हाँ जी, स्वागत है शिवानी, नमस्कार देवेंद्र जोशी जी, नमस्कार हंस तंवर जी, नमस्कार। अब दिख रही हैं पूनम धाबाई, नमस्कार। मीनाक्षी माथुर नमस्ते। उजला लोहिया जी नमस्कार। सोनू नूतन दीदी नमस्ते। सभी को प्रणाम करती हूँ। महेश जी नमस्कार। बजरंग सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार जी। अब दिख रहे हैं तो लग रहा है बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। आगे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक विवाहित बेटी अपने पिता को खत भेजती है, तो उसके मन के जो भाव हैं मैंने चार पंक्तियों में समेटे हैं, सुनिएगा। भेज रही हूँ चिट्ठी लिखकर, भेज रही हूँ चिट्ठी लिखकर, बाबुल पढ़कर मत रोना। भेज रही हूँ चिट्ठी लिखकर, बाबुल पढ़कर मत रोना, आंगन की खटिया पर बैठे माँ से हंसकर यूं कहना। बिटिया उनकी बड़ी सुखी है अपने घर परिवार में, बिटिया उनकी बड़ी सुखी है अपने घर परिवार में, पर भूल न जाना माँ बाबुल अपने बेटों के प्यार में, अपने बेटों के प्यार में, अपने बेटों के प्यार में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मुक्तक नारी पर है, सुनिएगा। मुझ पर अपना जोर न समझो, मुझ पर अपना जोर न समझो, आंचल भीगा कोर न समझो। मुझ पर अपना जोर न समझो, आंचल भीगा कोर न समझो, और ताने सुनकर मर जाऊंगी, शक्ति हूँ कमजोर न समझो। ताने सुनकर मर जाऊंगी, शक्ति हूँ कमजोर न समझो, शक्ति हूँ कमजोर न समझो। महिलाओं के, नारी शक्ति के लिए ये मेरा मुक्तक था। और प्रतिक्रिया देखूं, दिख नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे पढ़ती हूँ। एक छंद आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। सावन की घटा छाई संग में बहार लाई, मन व मयूर नाचे देखो पात पात में।
सावन की घटा छाई संग में बहार लाई। मन व मयूर नाचे देखो पात पात में, खिलते हैं प्रेम फूल बरखा में झूल झूल, मिलते हैं चुप चुप भीगी हुई रात में। अल्हड़ सी अंगड़ाई झूम रही पुरवाई, अल्हड़ सी अंगड़ाई झूम रही पुरवाई, चमकत बिजुरिया बात बिना बात में। और यौवन की तान पर निखरा है रूप रूप, यौवन की तान पर निखरा है रूप रूप, सजने लगी है गोरी देखो बरसात में, सजने लगी है गोरी देखो बरसात में। एक अपने हृदय की कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। कुछ शब्द चुने, कुछ शब्द चुने चुन कर सींचे, गीतों की क्यारी महकी, गीतों की क्यारी महकी। कुछ शब्द चुने चुन कर सींचे, गीतों की क्यारी महकी, गीतों की क्यारी महकी। नन्ही गजलों की कलियों से, नन्ही गजलों की कलियों से सजी हुई नज़में चहकी, सजी हुई नज़में चहकी। लता लगी कविता कहने, लता लगी कविता कहने, छंदों पर यौवन छाया, छंदों पर यौवन छाया। काव्य हुआ सुरभित उपवन, काव्य हुआ सुरभित उपवन, मधुरिम रस सरिता बहकी, मधुरिम रस सरिता बहकी। कुछ शब्द चुने चुन कर सींचे, गीतों की क्यारी महकी, गीतों की क्यारी महकी। बहुत सुंदर कविता, मधुर आवाज़। शुक्रिया सोनू, पूनम बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को नमन करती हूँ जो जुड़े हुए हैं। और एक कुछ अपनी मस्ती में कि जिक्र में फिक्र का सिक्का उछाल देखा, जिक्र में फिक्र का सिक्का उछाल देखा, दो घड़ी खुद को भी हमने संभाल देखा। जिक्र में फिक्र का सिक्का उछाल देखा, दो घड़ी खुद को भी हमने संभाल देखा। झांकती हसरतें टिम टिम टिमाक टिम टिम, झांकती हसरतें टिम टिम टिमाक टिम टिम, तोड़कर बंदिशें फिर उनका भी हाल देखा, तोड़कर बंदिशें फिर उनका भी हाल देखा। जिक्र में फिक्र का सिक्का उछाल देखा। बहुत छंदों, बहुत शुक्रिया बजरंग सर। हिमाद्री भी हमारे बीच आ गई है, स्वागत है हिमाद्री, आइए। एक छोटी सी रचना सुनिएगा। आओ आओ अधूरी नज्म बात करें, आओ अधूरी नज्म बात करें, सांसों का अलाप जलाकर चांद के पिघलने तक, रेशमी हवाओं की बातें, ख्वाबों को जिए साथ साथ, ख्वाबों को जिए साथ साथ, रात देर रात तक, रात देर रात तक, बस मैं और तुम, बस मैं और तुम, टिमटिमाते तारों की मौजूदगी में, टिमटिमाते तारों की मौजूदगी में। बहुत बहुत अभिनंदन है सभी का इस पेज पर, जन सरोकार मंच टॉक। आइए एक छोटी सी रचना। यादों की है आवाजाही,
यादों की है आवाजाही, चिंताओं के घेरे मन के इस पगडंडे पर है सांसों के फेरे। यादों की है आवाजाही, चिंताओं के घेरे मन के इस पगडंडे पर है सांसों के फेरे। अलकों पर है सपने छाए, रात घनेरी घेरे। अलकों पर है सपने छाए, रात घनेरी घेरे। आनी अनजानी सी विरह वेदना रहती रैनु बसेरे, रहती रैनु बसेरे। यह जीवन है राग तपोवन इंद्रधनुषी घेरे। मौसम बन बदला करते हैं पल पल सांझ सवेरे, पल पल सांझ सवेरे। कुछ मुक्तक आपको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। आज फिर चांद निकला है, आज फिर चांद निकला है, चांदनी मुस्कुराई है। आज फिर चांद निकला है, चांदनी मुस्कुराई है। सितारों पर, सितारों ने फलक पर आज महफिल सजाई है। सितारों ने फलक पर आज महफिल सजाई है। सजाकर प्यार के नगमे घटाएं कर रही वादे, सजाकर प्यार के नगमे घटाएं कर रही वादे। मिलन होगा अंबर का धरा दुल्हन बनाई है, मिलन होगा अंबर का धरा दुल्हन बनाई है। एक मुक्तक और निवेदित करती हूँ। आरजू थी बस इतनी सी कि उनके दिल में बस जाऊँ, आरजू थी बस इतनी सी कि उनके दिल में बस जाऊँ। इशारा वो मेरा समझे, निगाहों से मैं समझाऊँ। शबनमे नूर फुर्सत में वो कह दे प्यार है तुमसे, शबनमे नूर फुर्सत में वो कह दे प्यार है तुमसे। कुछ वो पिघल जाए, कुछ मैं पिघल जाऊँ, कुछ वो पिघल जाए, कुछ मैं पिघल जाऊँ। सुनीता भी आ गई है, विजय राही जी भी, सब स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। एक दो दोहे श्रृंगार के आपके समक्ष रखती हूँ। बदली छुप छुप देखती चंदा की ओर, बदली छुप छुप देखती चंदा की ओर। आएगी ऋतु मिलन की जब नाचेंगे मोर। दूसरा दोहा है। अनुरागी मन में उठी दबी दबी सी प्यास, अनुरागी मन में उठी दबी दबी सी प्यास। कुछ मिलने की चाह थी क्षण भर का एहसास, क्षण भर का एहसास। सब नवल किशोर सोनी जी हमारे से जुड़ चुके हैं, कवि पुरोहित जी, सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और एक छोटी सी कविता, नदी, शीर्षक है नदी। आसान नहीं है नदी होना, आसान नहीं है नदी होना। बहती है बाधाओं को तोड़कर फिर भी निश्चल निर्मल बनाती है रास्ता खुद के लिए। पत्थरों के बीच से कुछ पत्थर भी रगड़कर चिकने होते रहते हैं। हैरान होता है समंदर देखकर, हैरान होता है समंदर देखकर नदी के हौसलों को, हैरान होता है समंदर
नदी देखकर नदी के हौसलों को पर प्रेम के वशीभूत वो सहज ही रहती है। मीठे पानी की नदी मिल जाती है खारे समंदर में, मीठे पानी की नदी मिल जाती है खारे समंदर में। आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ममता जाट जी, स्वागत है आपका। एक और छोटी सी कविता, चाहत, सुनिएगा। पूछा था चांद से मैंने, कुछ कहा ही नहीं, बस मुस्कुरा दिया। झील से बातें करता रहा रात भर, ठीक उसी तरह चलता रहा जैसे चल रहा हो साथ साथ बादलों में छुप छुप कर। कर रहा था इशारे चकोर को, कर रहा था इशारे चकोर को, मुलाकातों के लिए बड़ी प्यारी सी हसरत जगा दी हवा के झोंकों में, बड़ी प्यारी सी हसरत जगा दी हवा के झोंकों में। आह दिल की चाह फिर लगी मचलने, दिल की चाह फिर लगी मचलने। एक मुक्तक आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। शब्द की साधना कर ले, सुरों का ज्ञान हो जाए। शब्द की साधना कर ले, सुरों का ज्ञान हो जाए। लिखे जो भी कलम मेरी, देश के नाम हो जाए। गाऊं गीत और मुक्तक वतन की मोहब्बत में, गाऊं गीत और मुक्तक वतन की मोहब्बत में। कविता की कल्पना का मनोरथ पूर्ण हो जाए, कविता की कल्पना का मनोरथ पूर्ण हो जाए। अरे वाह, माया सर भी आ गए हैं, कल्पना दीदी भी आ गई हैं, सभी को नमन करती हूँ, बहुत ही अभिनंदन करती हूँ सभी का। और एक गीत मैं आपके लिए लेकर के उपस्थित हूँ। जब एक सैनिक युद्ध क्षेत्र में जाता है तब वो क्या कामना करता है, अपने परिवार से क्या कहता है, कुछ इस तरह का मैंने इसमें लिखा है, सुनिए। शत शत नमन उस वीर को जो देह अपनी दे गया, दिव्य होकर वो दिवाकर खुद हलाहल पी गया। भारती के भाल पर लिख शौर्य की अनुपम कहानी, भारती के भाल पर लिख शौर्य की अनुपम कहानी। विजय की फहरा पताका वो जवानी जी गया। शत शत नमन उस वीर को जो देह अपनी दे गया। जब वो घर से चलता है तो माँ से क्या कहता है, पिता से क्या कहता है। चलते समय उसने कहा था लौट कर मैं आऊंगा, चलते समय उसने कहा था लौट कर मैं आऊंगा। या तिरंगे में लिपट कर मैं अमर हो जाऊंगा। माँ तुझे भी गर्व होगा, माँ तुझे भी गर्व होगा, सिंह को तूने जना है। इस धरा को छोड़ कर मैं गगन हो जाऊंगा। चरण छू कर वो पिता के संस्कारी हो गया। शत शत नमन उस वीर को जो देह अपनी दे गया, दिव्य हो कर वो दिवाकर खुद हलाहल
पी गया। जब वो चलता है तो बहन और भाई की क्या स्थिति होती है सुनिएगा। अश्रुधारा बह रही थी, बहना खड़ी थी द्वार पर, वीरा कलाई सुनी न रखना राखी के त्योहार पर। भाई छोटा दौड़ कर चूमता था उंगलियां, भाई छोटा दौड़ कर चूमता था उंगलियां, स्वप्न देकर वो सलोने चल दिया लंबे सफर पर। राष्ट्रहित में होम होकर जीवन ये धानी हो गया, शत शत नमन उस वीर को जो देह अपनी दे गया। और जब चलता है तो अपनी पत्नी से क्या कहता है सुनिएगा। परम तप का सौभाग्य लेकर मांग में सिंदूर भरना, परम तप का सौभाग्य लेकर मांग में सिंदूर भरना, प्रिय प्रेम की ये परीक्षा है जरूरी पूर्ण करना। सात फेरों के वचन में ये वचन भी संग ले लो, सात फेरों के वचन में ये वचन भी संग ले लो, वीर की वीरांगना बन मन से मुझको याद करना। अमरता का अमरत्व पाकर वो रूहानी हो गया, शत शत नमन उस वीर को जो देह अपनी दे गया, शत शत नमन उस वीर को। जी विनीता किरण चंद्राबंग सिंह जी, नमस्कार, सभी को प्रणाम करती हूँ। आज स्थिति ऐसी है, कोरोना की मार, ऊपर से चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि हम भी अपनी भूमिका किसी न किसी रूप में अपने देश के लिए निभाएं। आइए एक गीत मैं उस महान शख्सियत के लिए पढ़ना चाहती हूँ। गीत क्या, छोटी कविता सी है मेरी। मेवाड़ी धरती के सपूत महाराणा प्रताप के सम्मान में ये पंक्तियाँ मैं निवेदित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। मेवाड़ी धरती का गौरव बलशाली स्वाभिमानी था, मुगलों के आगे नहीं झुका वो सच्चा हिंदुस्तानी था। मेवाड़ी धरती का गौरव बलशाली स्वाभिमानी था, मुगलों के आगे नहीं झुका वो सच्चा हिंदुस्तानी था। जिसकी शौर्य गाथाएं सुनकर शत्रु के तोते उड़ते थे, चेतक की टापों के आगे धरती अंबर भी छोटे थे। हल्दी घाटी गूंज रही थी एक लिंग जयकारों से, अकबर की सेना फीकी थी साहस की हुंकारों से। भारी सेना लेकर अपनी अरी सामने डटा हुआ था, भारी सेना लेकर अपनी अरी सामने खड़ा हुआ था। हल्दी घाटी रणभूमि पर मातृभूमि रंग चढ़ा हुआ था। हार न मानी उस शूरवीर ने, हार न सुत का मिलकर सब गुण गान करें।
महाप्रतापी महाराणा प्रताप का कर जोड़ सभी सम्मान करे, कर जोड़ सभी सम्मान करे। आप लोग बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी। और आइए कुछ और आपके समक्ष रखने की कोशिश करती हूँ। एक गजल आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। निवेदित है पंक्तियाँ। हर रस हर विधा थोड़ी थोड़ी सी आपको प्रेषित कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है आपको ये जानकर के, मुझे काफ़ी उत्साह मिल रहा है। और अब एक छोटी सी गजल सुनिएगा। बात कब हो गई, बात ही बात में, बात कब हो गई, बात ही बात में, नाम पूछा नहीं इस मुलाकात में। फिर सुनिए। गौर करना अभी हाल कैसा रहा, गौर करना अभी हाल कैसा रहा, आपका खत मिला चांदनी रात में, बात कब हो गई, बात ही बात में, याद आई मगर आज पूछा कहाँ, याद आई मगर आज पूछा कहाँ, होश था ये किधर उनको बरसात में, होश था ये किधर उनको बरसात में, बात कब हो गई, बात ही बात में, काश हम से कहीं बात होती अगर, काश हम से कहीं बात होती अगर, हम बताते मिले जख्म सौगात में, हम बताते मिले जख्म सौगात में, बात कब हो गई, बात ही बात में। शुक्रिया। अच्छा डाकिया खत मिला चांदनी रात में। शुक्रिया बजरंग सर, मीनाक्षी। और अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ करके। कुछ और निवेदित करती हूँ आपके समक्ष। कोरोना पर कुछ दोहे लिखे थे, वो सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कोरोना मिलता नहीं खुद आ कर के आ, भीड़ भाड़ होती रहे करता रहता जाप, नहीं तुम हाथ मिलाना जरूरी मास्क लगाना। दूसरा है, जल थल नभ है कह रहे होगी नैया पार, गलती की जो मनुज ने कर ले यदि स्वीकार, विजय फिर होगी भारी, आ करे मिलकर तैयारी। शुक्रिया महेश जी। आइए
कुछ और आपके समक्ष रखती हूँ। एक प्रणय निवेदन है, गीत आपके समक्ष है। बादल धरती को भेजता है, सुनिएगा। किरण छूती इंद्रधनुष को, रंगों की अनुपम छाया, प्रेम संदेशा लेकर बादल धरती से मिलने आया। किरणें छूती इंद्रधनुष को, रंगों की अनुपम छाया, प्रेम संदेशा लेकर बादल धरती से मिलने आया। प्रीत चांदनी भाव तराने, बूंद बूंद में प्यार भरा, बंसी मेरी अधर तुम्हारे, तुलसी जैसा रूप धरा। मेघ गगन की स्वप्न कल्पना, सभी रंग भरा, सात स्वरों की सरगम बन कर, करुनिवेदन वसुंधरा। जलज तुम्हारा जुगनू बनकर, अंबर सा दिखने आया, प्रेम संदेशा लेकर बादल धरती से मिलने आया। प्रशंसा भी आ गई है, स्वागत है प्रशंसा। सुनीता विष्णुई सुनिए, अंतिम बंद है। तप कर मन की शीतलता ने, यौवन के घन बरसाए, रजनीगंधा रूप तुम्हारा, रजनी भर तारे लाए। तप कर मन की शीतलता ने, यौवन के घन बरसाए, रजनीगंधा रूप ने आया, प्रेम संदेशा लेकर बादल धरती से मिलने आया। एक छंद आपके समक्ष और रखती हूँ। शुक्रिया महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता सभी को बहुत प्रणाम करती हूँ, प्रशंसा। एक छंद आपके समक्ष रखती हूँ कि हमें अपने बेटों को किस तरह का बनाना चाहिए, उनका रोल मॉडल कौन होना चाहिए, सुनिएगा। भारत की भूमि पुण्य, इसने ही दिया शून्य, श्रेष्ठ इस भूमि पर तन मन वारेंगे। भारत की भूमि पुण्य, इसने ही दिया शून्य, श्रेष्ठ इस भूमि पर तन मन वारेंगे। जप तप योग ध्यान, युवा शक्ति हो महान, देश प्रेम भक्ति दान भाव ऐसे धारेंगे। गुरु सेवा गुरु भक्ति, चिंतन विचार सभी, विवेकानंद जैसे ही बेटों को सवारेंगे। और करते हैं प्रण हम माँ भारती के लाल, यही पावन इस रज की आरती उतारेंगे, पावन इस रज की आरती उतारेंगे। पसीने भी बहुत आए, पंखा नहीं चला रखा। चलिए एक फागुन का छोटा सा गीत आपके समक्ष रखती हूँ। सुनिएगा। फागुन का महीना आया, मस्ती की बहार हो, अब के बरस की होली में सब सपने साकार हो। फागुन का महीना आया, मस्ती की बहार हो, अब के बरस की होली में सब सपने साकार हो। धरती खेले प्रीत रंग में, सबको सबसे प्यार हो, अब के बरस की होली में
सब सपने साकार हों। देवर खेले भाभी संग पीकर भंग धमाल हो, अब के बरस की होली में सब सपने साकार हों। भेदभाव का रंग नहीं हो, सब धर्मों का मान हो, अब के बरस की होली में सब सपने साकार हों। अब के बरस की होली में सब सपने साकार हों। कितना समय हो गया? हाँ जी, आप दिखाई दे रही हैं। आप लोग सब बोलिए कि गोदरेज को तारो हो तो सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगी। चाचा भी आ गए हैं, एस के श्रीवास्तव। नमस्ते चाचा, प्रणाम। सभी को प्रणाम करती हूँ पुनः, और एक मुक्तक माँ पर समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। जीवन भर बच्चों की खातिर हर मुश्किल से लड़ती है, कुछ तो खा ले भूखा मत रह, पाठ सदा ये पढ़ती है। जीवन भर बच्चों के खातिर हर मुश्किल से लड़ती है, कुछ तो खा ले भूखा मत रह, पाठ सदा ये पढ़ती है। माँ का जाना बड़ी क्षति है, जाना माँ के जाने के बाद, माँ तेरी जादू की झप्पी पल पल मुझे अखरती है। माँ तेरी जादू की झप्पी पल पल मुझे अखरती है। चौबारो हो तो सुनाना है। चलिए बिल्कुल सुनाऊंगी। कितना समय रह गया है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अवगत करा दीजिए। तो एक दो और सुना दूं कविता। चलिए, डिमांड हो रही है हो तो वाली सुनाती हूँ, क्योंकि माहौल थोड़ा सा वैसा हो गया है। तो हास्य बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, ऊर्जा देता है हास्य। सुनिएगा। हो तो मेरे हूँ पास एक चौबारो, हो तो मेरे हूँ पास एक चौबारो, हो तो और चौबारे में लगाए हुए को गोदरेज को तारो, हो तो सुंदर सजीरो सावरो हमारो भी घरवारो, हो तो मेरे हूँ पास एक चौबारो, हो तो और चौबारे में लगाए हुए को गोदरेज को तारो, हो तो सुंदर सजीरो सांवरो हमारो भी घरवारो, हो तो क्या करता वो तड़के उठकर चाय बना तो, और पैरन को दबा कर हमको जगा तो, कचौरी रबरी हाथन से खिला तो, हो तो मेरे हूँ पास एक चौबारो, हो तो और चौबारे में लगाए हुए को गोदरेज को तारो, हो तो सुंदर सजीरो सावरो हमारो भी घर वारो, हो तो और क्या करता। मोटर में घुमा तो सिनेमा दिखा तो शॉपिंग करा तो कपड़े दिला तो, और फिल्मन के हीरो सो दिलवारो, हो तो मेरे हूँ पास एक चौबारो, हो तो और चौबारे में लगाए वे को गोदरेज को तारो, हो तो सुंदर सजीरो सावरो हमारो भी घरवारो, हो तो और मैं क्या करती। सुनिएगा। अट्टा पर बैठकर चाटती दोना और दिन भर सोती बिछा कर बिछोना, नखरो हमारो खुशी से उठा तो, हो तो मेरे हूँ पास एक चौबारो, हो तो और चौबारे में लगाए हुए को गोदरेज को तारो, हो तो सुंदर सजीरो सावरो हमारो भी घरवारो, हो तो और क्या होता। इतनो रसीलो हो तो जैसे गन्नो और प्यार से बुरा तो हमको धन्नो, हाँ में हाँ मिला तो न बातें बना तो, हो तो मेरे हूँ पास एक चौबारो, हो तो और चौबारे में लगाए हुए को गोदरेज को तारो, हो तो सुंदर सजीरो सांवरो हमारो भी घरवारो, हो तो मेरे हूँ पास एक चौबारो, हो तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, मज़े आ गए सबको। ठीक है, एक हास्य कविता अगला जीवन कटे।
बिल्कुल सही है। चार म्याले सो गए हैं तो अब समाप्त करने का समय भी आ गया है। एक छोटी सी कविता मैं सुना दूं और कार्यक्रम को समाप्त कर देती हूँ। छोटी सी बेटी पर एक छोटी सी कविता। टिमटिमाते तारों सी मुस्कुराती बहारों सी, टिमटिमाते तारों सी मुस्कुराती बहारों सी, उड़ ऊंची उड़ान भर बिटिया। कमजोर मत बन मजबूत इरादों के साथ, उड़ ऊंची उड़ान भर बिटिया। बना खुद को तू मजबूत निखर कंचन सी, बना खुद को तू मजबूत निखर कंचन सी, उड़ ऊंची उड़ान भर बिटिया। हौसलों के साथ बढ़, हौसलों के साथ बढ़, पछाड़ दे मुश्किलें, उड़ ऊंची उड़ान भर बिटिया। सतरंगी रंग भर ले खुद को साबित कर, सतरंगी रंग भर ले खुद को साबित कर, उड़ ऊंची उड़ान भर बिटिया, उड़ ऊंची उड़ान भर बिटिया। सभी को पुनः नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सबका, सबने मेरे कविताओं को सराहा और सभी को अच्छा लगा ये जान के, मुझे भी अच्छा लगा, पसीने से तरबतर हो गई, पंखा बंद कर रखा है। चलिए चाचा को नमन, क्या बात है, अति सुंदर, शुक्रिया चाचा, थैंक यू शिवानी, थैंक यू प्रशंसा, सभी सभी को प्रशंसा, छोटी बहन है मेरी, सभी सखियाँ, सब कोई, सभी को नमन करती हूँ। और अब कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर देती हूँ, मेरे ख्याल से समय हो गया है, एक बार हमारी बीवी कहती है हम तो लिंक लक है, काश गोदरेज के होते। अरे वाह, सही है। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार सभी को और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जन सरोकार टॉक ग्रुप का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, महेश जी, देवेंद्र जी, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच से जुड़ने का मौका दिया। मैं कविताएं पढ़ती रही और मंच के बारे में कुछ अपनी टिप्पणी नहीं दी, लेकिन अच्छी बात नहीं है, हम जिस मंच से पढ़ रहे हैं उसका तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि उसके बारे में हमको बोलना है। तो सभी को पुनः अभिनंदन, नमन और राम राम। बंद कैसे होगा ये, चल ही रहा है, बंद नहीं हुआ क्या ये, अपने आप बंद होगा क्या।